वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चावल की एक नई रेसिपी बनाएंगे। जिस तरह से फ्राइड राइस, बिरयानी, कई तरह से चावल की रेसिपीज बनती हैं, तो उसी तरह से आज एक नई रेसिपी हम यहाँ पे बनाएंगे, कोरिएंडर राइस। पर उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो कोरिएंडर राइस बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, हम देख लेते हैं। हमें चाहिए चावल। यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल चावल बना के रखे हुए हैं और ये बासमती राइस हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। सिंपल जैसे हम चावल बनाते हैं बासमती राइस, उसी तरह से हमने यहाँ पे बना के रखे हैं। और ये 4 से 5 लोगों के लिए हम रेसिपी बनाएंगे आज, तो उसी हिसाब से मैं आपको रेशियो बता देती हूँ। और उसके बाद में हमने एक छोटा कप काजू लिए हैं। काजू को पहले से हमने थोड़ा सा देसी घी डाल के रोस्ट करके रखा हुआ है। एक बड़ा कप मटर, 3 बड़े प्याज, प्याज को इस तरह से हमने लंबे लंबे शेप में काटा हुआ है। 2 बड़े टमाटर, टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में हमने चॉप किया हुआ है। और यहाँ पे ये हमने शिमला मिर्च ली है जिसको स्क्वायर शेप में हमने काटा हुआ है। और गाजर को भी छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। आप और भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, बीन्स हैं या और भी जो भी आपके फेवरेट वेजिटेबल्स हो आप यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे धनिया पाउडर है, नमक है, 2 तेज पत्ता, जीरा, थोड़ा सा ऑयल। और फ्रेंड्स, कोरिएंडर राइस का सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये यहाँ पे मैंने बाउल में रखा हुआ है। तो अभी मुझे इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये मैंने धनिया इसमें ली हुई है, धनिया के साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको लंबे लंबे शेप में काटा हुआ है और एक छोटी सी स्मॉल प्याज हमने इसी में चॉप करके रखी हुई है। अब इन सभी चीजों का एक फाइन पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये पेस्ट बना के हमने रेडी कर लिया है, तो अब शुरू करते हैं हम राइस बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप इसे बटर में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑयल में इसको बनाऊंगी। और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे पहले। ऑयल गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें ये जीरा डालेंगे हम और साथ ही साथ ये तेज पत्ता डाल देंगे इसको। ये जो प्याज हमने काट के रखी हुई है ये हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें ये मटर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें गाजर डालेंगे पहले। शिमला मिर्च थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। गाजर और मटर को पहले साथ में हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको पकाने के बाद में 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ये शिमला मिर्च भी हम ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च डालने के बाद में इसमें कुछ मसाले हम डाल देते हैं। पहले ये धनिया पाउडर डालेंगे और नमक हम ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद में 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। गैस को भी हम थोड़ा सा धीमे कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 5-6 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे और चेक कर लेंगे सब्जी जो इसमें हमने डाली है वो डल रही है या नहीं। अगर सब्जी बहुत अच्छे से पकी ना हो तो आप थोड़ी सी देर के लिए इसको और कवर कर सकते हैं दोबारा से। तो फिलहाल ये सब्जी पक देंगे। तो इस टाइम पे हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही साथ ये काजू इसमें डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। और ये जो धनिया का हमने पेस्ट बना के तैयार किया था
इसे हम इसमें डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद में हम फिर से इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो इसमें धनिया का पेस्ट हमने डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और फिर से हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। पांच छह मिनट के लिए हमने इसे तेज गैस पे पका लिया है और अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। सारे चावल ऐड करने के बाद में 5 से 6 मिनट के लिए हम चावल को सभी सब्जियों के साथ में अच्छे से भूनेंगे और ये कोरिएंडर राइस बनके रेडी हो जाएंगे। सभी सब्जियों के साथ में चावल को भी 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ऑलरेडी वैसे तो पके हुए हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा भून लेंगे चावल को तो बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे कोरिएंडर राइस। 5 मिनट बाद ये कोरिएंडर राइस बनके रेडी हो गए थे और हमने इसे सर्व कर लिया है। आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल ट्रिपल ई डिलाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।